आगे आ जाओ, मैं हूँ उदयपुर पैलेस के गेट के सामने और हम लोग निकल चुके गाइड की खोज। नॉर्मली यहाँ पे गाइड्स के चार्जेस 300 फॉर अ ग्रुप ऑफ एटलीस्ट 3 to 5 हैं। आपको फोर्ट के अंदर और बाहर दोनों ही तरफ गाइड्स अवेलेबल होंगे, तो अगर आप सोच रहे हैं गाइड्स के साथ बार्गेनिंग करने का तो प्लीज़ ट्राई करना कि फोर्ट के बाहर ही करें। फोर्ट के मेन गेट के लेफ्ट साइड में तोप थी और राइट साइड में गजराज जी थे। सो आज के ब्लॉग की एक खास बात है कि आज का ब्लॉग मैं नहीं गाइड कवर करूँ, ताकि आपको सारी चीज़ें डिटेल में पता। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये जो आप पैलेस देखने आ पाए हैं, राजस्थान का सबसे बड़ा पैलेस है, इंडिया का सर ये सेकंड लार्जेस्ट पैलेस है मैसूर पैलेस के बाद में। अभी आप लोग राजस्थान के मेवाड़ में हैं। मेवाड़ एक पूरी रियासत हुआ करती थी और 16th century के पहले चित्तौड़ मेवाड़ की राजधानी थी, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़ से कुंभलगढ़ जाने के लिए बीच में उदयपुर ये जगह पड़ती थी और उदय सिंह जी जब भी कुंभलगढ़ जाते हैं चित्तौड़ से, तो यहाँ पर विश्राम करते हुए जाते थे। एक बार वो जब शिकार करने के लिए इस तरफ आए तो यहाँ पर उन्हें एक साधु मिले। साधु का नाम था गोस्वामी प्रेमगिरी महाराज। इस पहाड़ी के ऊपर उन्हें मिले और साधु ने उन्हें यह कहा, यदि आप महल का निर्माण यहाँ करोगे तो आपको कोई हरा नहीं पाएगा। तब उदय सिंह जी ने साधु की बात मानकर 3 कमरों से शुरुआत कर दी थी यहाँ पर। लेकिन जब बाद में चित्तौड़ पर वापस मुगलों के हमले काफ़ी होने लगे, तब उन्होंने यहाँ पर रहना डिसाइड किया और उनके जो वंशज हुए हैं, जितने भी चाहे राणा प्रताप हुए हैं, अमर सिंह जी हुए हैं, सभी राजा यहीं रहे हैं। लेकिन तब यहाँ पे 2 कमरे 3 कमरे कम पड़ते, तो राजा हर राजा ने अपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ कमरे जोड़ते गए। इतना बड़ा जो बिल्डिंग दिख रहा है आपको, आज 450 साल लगा बनने में और 22 राजाओं ने मिलकर बनवाया। घोड़े से बैठते थे, घोड़े से ऊपर वाला जो प्लेटफॉर्म है हाथी पर। हर रियासत का अलग राजचिन्ह होता है। ये मेवाड़ है, मेवाड़ राज्य का कोट ऑफ आर्म क्रेस्ट है। ऊपर उगता हुआ सूरज है, यहाँ के राजा सूर्यवंशी राजपूत है। एक तरफ में भील खड़े हैं और एक तरफ में राजपूत सैनिक, और बीच में जो दिखा आपको पूरा मैप है मेवाड़ का, टेरिटरी का, और नीचे लिखा है जो धड़ रखे धर्म को तीर रखे करता, यदि आप धर्म की रक्षा करोगे धर्म भी आपकी रक्षा करेगा। ठीक है, आज भी राजा रहते हैं इस पैलेस में, रॉयल फैमिली है, बट दे हैव ओनली मनी पावर, है ना। इस के सामने गेट दे रहा लोहे का फाटक, उसके अंदर वहाँ पर उनकी जो होटल है, उनका आज होटल बिजनेस है। और ये राजा 24th generation है महाराणा उदय सिंह जी के बाद में। यहाँ की रॉयल फैमिली क्लेम करती है कि भगवान राम के जो लव और कुश थे, उदयपुर की रॉयल फैमिली भगवान राम की लव की वंशज है, लव डायनेस्टी की है, और जयपुर में कुश की। क्योंकि यहाँ के राजा सूर्यवंशी राजपूत हैं, तो ये सूर्य बना हुआ है यहाँ पर। पैलेस का हर भाग दोस्तों बटा होता है, चाहे यही नहीं सब जगह मर्दाना और जनाना। तभी आप लोग राजा के मर्दाना महल में देखेंगे पहले, कि जनाना मार पार्ट ये है। जनाना पार्ट तो कमर्शियल है, आज शादियों में किराए पर देते हैं। यहाँ पर कई बड़ी बड़ी शादियाँ हुई हैं, बियोंसी जैसे है ना, ने डांस किया, नाच गाना किया। शादी के अंदर एक रस्म होती है तोरण मारने की। तोरण तोरण मतलब तोरण, जब दूल्हा आता है ना, तो दुल्हन के घर पे वो देखिए ये लकड़ी का बनता है, इस पर गणेश जी बने हुए हैं और इसको टच करके अंदर प्रवेश करता है, और इस रस्म को बोलते हैं तोरण रस्म। तो ये लगा है यहाँ पे 2011 में, जब राजा की लड़की की शादी हुई थी 2011 में। ठीक है, दरवाजे बड़े बड़े हैं सुरक्षा के लिए, दरवाजों पे जो खिले हैं रोकने के लिए, ताकि दुश्मनों के हाथी दरवाजों को नहीं तोड़ें। और पुराने समय में यहाँ की रॉयल फैमिली के जो लोग बाहर जाते थे या रानियाँ बाहर आया जाया करती, अभी तो जैसे कार होती है ना, तो यहाँ पर पहले पालकियाँ रखते थे। कोई अपंग आ जाए पैलेस में चल नहीं पाए, तो उसके लिए लिफ्ट तो है, लेकिन अभी सर क्या कोविड की वजह से वो लिफ्ट भी बंद कर रखी है। सर ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से राजा जो है ना बैठे थे हाथी पर, छोटा प्लेटफॉर्म में वहाँ से बैठे राजा घोड़े। यहाँ की पेंटिंग बहुत फेमस है, जैसे हर जगह की अलग अलग खासियत होती है, किशनगढ़ शहरी, जयपुर की अलग, उदयपुर की, इस तरह की पेंटिंग फेमस है। पूरे महल का भी यहाँ खाना बनता था, यहाँ पे उसको बोलते हैं खासा रसोड़ा, खास रसोई। राजा की रॉयल बड़े होते थे वो यहाँ।
थोड़े बंदे ने आता है ये यहाँ पर भी 22 राजा रहे हैं। तो उदय सिंह जी ने शहर की शुरुआत करी 1559 में। सभी राजाओं ने कुछ न कुछ बनाते गए इस पैलेस में, है ना। यहाँ की जितनी भी झीलें हैं ना, लोगों द्वारा बनाई गई हैं, मैनमेड है, आर्टिफिशियल है, नेचुरल नहीं है। ऊपर से लेकर भी दिखे अभी जो है इनके वंशज जो कौन है, उनका नाम है अरविंद सिंह जी। अरविंद सिंह बट ये जो नहीं मनी पावर होटल बिजनेस होटल ही रहे वो, है ना। उनका HRH ग्रुप चलता है, होटल रिसोर्ट एंड हेरिटेज। कुंभलगढ़ में ओदी होटल है, जयपुर में है, उदयपुर में फतेह प्रकाश है, तो भी ताज को लीज पे दे रखी है। अच्छा। और जग मंदिर खुद चलाते हैं, श्रीनिवास खुद चलाते हैं। ये सर ये देखो पैलेस का पूरा पार्ट है, ये सब होटल्स हैं। ये है श्रीनिवास, ये फतेह प्रकाश, इस जगह को बोलते हैं शंभू निवास, जहाँ पर राजा खुद रहते हैं। और ये है म्यूजियम पार्ट। अगर आप पैलेस के दो अंदर आने के लिए दो रास्ते हैं, एक आपका है नॉर्थ से, एक आप आते हैं साउथ से। तो पूरा पहाड़ होता है ना, पहाड़ ऐसे पूरा मतलब पहाड़ बना हुआ है स्टेप बाय स्टेप। ये हुक लगे हैं, रेड लाइन देखेंगे, राजा का मर्दाना है, दरवाजे का नाम है गणेश ड्यूड़ी। ड्यूड़ी मतलब होता है छोटा दरवाजा, बड़े दरवाजे को कोर्ट। ये पैलेस का सबसे पुराना हिस्सा है, यहाँ पर उदय सिंह जी को साधु मिले। छोटा सा ही था, इतना ही था। रानी ऊपर से देखी तो हर फ्लोर पैलेस का बाद बना है, 100 साल बाद। मतलब पहले हिस्से से दूसरा हिस्सा जो है ना 100 साल नया कह सकते हो या पुराना कह सकते हो। ये उनका भाला है, इसके ऊपर गोल्ड वर्क किया हुआ है। चलते रहो, चलते रहो, भाला देखो ना। पूरे हिंदुस्तान से बादशाह अकबर का रास्ता मुट्ठी भर मेवाड़ को अकबर नहीं जीत पाए, लेकिन उनका रंज था कि मैं मेवाड़ कैसे ना कैसे जीतूँ। तो किसी भी हालत में नहीं जीत पाए तो है ना, मैं ना आमेर के, तो आमेर है ना, आमेर ना जगह जो जयपुर तो नया है, आमेर पुराना है। तो वहाँ के राजकुमार थे जिनका नाम था मान सिंह जी। तो वहाँ पर मान सिंह जी जो है उनकी बुआ से शादी करी थी अकबर ने। तो मान सिंह जी को उन्होंने कॉन्टेक्ट किया था कि भाई जगह जगह लड़ना है, आर्मी फोर्स आप भेजोगे, पैसा मैं आपको दूंगा जो जीतोगे। तो युद्ध होता है हल्दी घाटी का, है ना, 18 जून 1576 में, 1576 की बात है। इस तरफ में मुगलों के टेंट है, उस तरफ में राजपूतों के। नदी दिख रही है, नदी का नाम बनास नदी, बनास। ये जगह का नाम है हल्दी घाटी। हाँ, बरसात में चलती है अभी। तो देखो घोड़े चेतक पे राणा प्रताप है, हाथी के ऊपर मान सिंह जी हैं। अब जब गौर फरमाए, हाथी ने सुन में तलवार पकड़ रखी है, देखा आपको। हाथी वो स्पेन के घोड़ों को मार दे, तो देखिए घोड़े के आगे भी सूंड है, देखा आपको। तो घोड़े के आगे सूंड इसलिए है ताकि हाथी को लगे कि ये भी हाथी है, दुश्मन के हाथी घोड़ों को ना मारे। लेकिन यहाँ पर घोड़ा चेतक घायल हो गया था तलवार से, जब घोड़ा दौड़ा और नदी को कूदा ना तो मर गया। के नीचे मंदिर है ना, मंदिर के ऊपर पाँव नहीं दे सकता। जब भी नए राजा अगर बनते यही पैसा राजा लोग, जैसे आपका कोरोनेशन है आप राजा लेके बैठेंगे, यहाँ से पैसों को लेके नीचे फेंक देते। ऐसा हर रोज नहीं करते, आखिरी बार किया था महाराणा भोपाल सिंह जी ने 1930 में, वो राजा बने थे। और 1948 तक मतलब उनके हाथ में काफ़ी सत्ता रही। फिर वो पहले राजा थे राजस्थान में जिन्होंने सब कुछ सरकार को सौंप दिया, है ना। फिर वो मर्ज हो गया था ना, फिर राजपूताना से राजस्थान बना। पहले राजपूताना किला था, फिर राजस्थान बना, तब यहाँ पे 22 रियासत। अब यहाँ दरवाजे छोटे हैं, सरकार ध्यान रखेगा, दरवाजे छोटे हैं सुरक्षा के लिए, सुरक्षा सेफ्टी। अच्छा। क्योंकि चित्तौड़ में कभी जाएं तो चित्तौड़ पुरानी राजधानी थी, चित्तौड़ में बड़े कमरे, बड़े बड़े दरवाजे, बड़े बड़े रास्ते, लेकिन वहाँ पे जोर हुए हैं, कई हमले हुए हैं। तो राजा जब यहाँ पे शिफ्ट हो गए तो उनको एक सेफ्टी भी उनको रखनी थी, सिक्योरिटी, क्योंकि सब जगहों के राजा तो मुगलों के साथ मिल गए, ये अकेले ही थे जो नहीं झुके और नहीं मिले। तो यहाँ के रास्ते छोटे सेफ्टी के लिए, पत्ती पर मतलब है ना बाहर देखने के लिए, ताकि दुश्मनों की स्पेस देख सके कहाँ खड़े हैं। Thank you.
रास्ते सीधे नहीं होगा, जिग जिग में। यहाँ से एक बार आप देख सकते हैं कि दुश्मन गांव खड़ा हुआ है, आपको कोई नहीं देख पाएगा, पहचान भी नहीं कर पाएगा, कोई खड़ा भी है नहीं खड़ा। देखिए वहाँ पर स्पेस कम है, यहाँ पे स्पेस ज्यादा है, एक आदमी आराम से खड़ा रह सकता है, कोई भी आएगा मारा। यहाँ की पेंटिंगों में सारा काम पत्थर के रंग का होता है, स्टोन कलर। आसमान में बिजली चमक रही है, पहाड़ी पर किला, राजा नदी को क्रॉस कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत पेंटिंग है, इसे बोलते हैं मिनिएचर पेंटिंग। हाँ भैया, ये पैलेस का चौथा माला आ गया। देखिए जैसा कि आपको नीचे बताया, पूरा पैलेस पहाड़ बना हुआ है। आप लोग को ना नॉर्थ उधर से आए, उधर से आते तो पहाड़ ऐसे था, ऐसे ऐसे फ्लोर बना हुआ है। फर्स्ट फ्लोर बना, सेकंड फ्लोर बना, थर्ड फ्लोर बना, जब थर्ड फ्लोर की छत पहाड़ की चोटी पे आ गई तो उन्होंने क्या किया, इसको गार्डन बना दिया, बड़े बड़े पेड़ लगा हो गए। अब तो ये जमीन ही है, ग्राउंड फ्लोर पर ही हम लोग खड़े हैं, इसके नीचे कमरा नहीं है। सीढ़ी से आते हैं तो फोर्थ फ्लोर, बट ग्राउंड फ्लोर, समझ में आ रहा है। बीच में राजाओं के रहने का स्विमिंग पूल, जैसा कि मैंने आपको बताया, हम लोग अभी नीचे से लगभग 100 फीट की ऊंचाई पर है। मैं आपको वही कह रहा हूँ, तो पुराने समय में पत्थर रास्तों से घोड़ों से गन से लेदर गन होता ना, मशक मशक, तो लोग पानी भर के नीचे चलाते थे, तो हर रोज नहीं भरते थे, खास तो लोगों पर पानी भरवाते, जब होली वगैरह खेलते हैं और कभी कभी मेहमान आते तो उस वक्त पानी भरवाया करते, हर रोज नहीं भरते। 104 मार्बल के खम्भे हैं, सब कुछ मार्बल का बना हुआ है, और इस हिस्से का निर्माण ये पहले से ही है। इस हिस्से का निर्माण हुआ है 1699 में, जैसे पहला पार्ट बना 1559 में, सेकंड पार्ट बना 1620 में, ये सब बना 1699 में, जैसे सब हमें बदलता गया ना, राजा बदलते गए, उनको जैसा लगा वो जोड़ते गए। ऐसा पैलेस बना है कि आज एक जैसा लगता है, कैसा लगता है कि एक समय में बना हो, लेकिन हर हिस्सा एक दूसरे से काफी बाद में बना है, थोड़ा नया है, हमारे लिए थोड़ा नया है। आपके पास समय हो और पहाड़ के ऊपर जाना चाहो तो ऊपर जाने के लिए चलेंगे। हर रोज शाम को जैसे आपके पास समय हो तो 6 बजे शो शुरू होता है, ऊपर बैठोगे 5:30 का टिकट है। हाँ वो देखिए क्या, नहीं 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 देखना हो तो देख लेना, नीचे बैठोगे तो 350 का टिकट है। यहाँ पे गुलाब आ गए, ये गुलाब आ गए है ना, सारा शर्ट पीछे जो बड़े बकरे ना, ये जो भैया पंखा दिख रहा है, इडली का पंखा चलता है केरोसिन से, बॉटम में लैंप चलता है, पाइप में भाप आती है, पंखा रोटेशन में चलता है। यहाँ पर एक गर्नल जैम शॉट करके थे, उन्होंने किताब लिखी थी, किताब का नाम था एनएलसी एनजीपी के राजस्थान। अब भाई हमें इतने साल से लिखते हैं, क्या लिखते हैं, राजा ने सोचा कि भाई हमें अपना इतना लिखना पड़ेगा, राजा के लिए काम करते हैं, और राजा हर राजा ने, चाहे मुगल हो, चाहे अकबर हो, चाहे बाबर नामा हो, हर राजा ने मतलब ना अपने हिसाब से अपनी हिस्ट्री लिखवाई है, तो यहाँ के राजाओं ने भी लिखवाई थी इनके बाद में, जिनके उस किताब का नाम है वीर विनोद, और लिखने वाले लेखक थे श्यामल दास। और बनाए वालों का होटल उदय विलास, ये वाइट रंग का होटल ये जो है ना, ये इसको बोलते हैं लेक पैलेस, वैसे उसका ओरिजिनल नाम है जग निवास, महाराणा जगत सिंह ने बनवाया था, और है ना गर्मियों में वहाँ रहते थे, खाली 5 कमरे थे पहले, ठीक है। 1983 के बाद में इसमें और कमरे बने हैं,
यहाँ पर भी रानी अम्बेडकर जी चौक में देखी फंक्शन ताकि उन्हें कोई ना देखे। आपको याद है नीचे मैंने आपको क्रैश बताया था एम्बलम वो गार्डन है नीचे ऊपर पर्दा की जगह पक्का चलेगा दरवाजे दोनों तरफ में हाथी के तार थे यहाँ पर देखो यहाँ पर रानी अम्बेडकर जी देखो भैया आपको याद हो जहाँ पे मैं आपको मिला हूँ फिर वहाँ से मैं आपको इस दरवाजे तक लाया बताया लिफ्ट थी देखिए नीचे दिखाई थी तो लिफ्ट यहाँ से नीचे जाती है भैया चल नहीं सकते तो उनके लिए स्पेशली 1940 में लिफ्ट लगी है 1940 में तो ये है महाराणा भोपाल सिंह जी इनके पाँव में बैठा के जूते हैं इनकी आंखों को देखते हुए आपको मैं देखते हुए आगे चलेंगे चलेंगे ना ऐसा एहसास होगा कि आंखें आपको फॉलो कर रही है देखते हुए चलिए ये भैया देखिए उनका रानी का पलंग है सामने मंदिर है पालना रखा है जैसे होगा Thank you.
देखिए जब इनके हस्बैंड थे उनके नाम था मानव कुमार तब और आई हस्बैंड के बनने के बाद में उसके राज माना इनके बेटे अब वही हो गए कि राजा ने लेकिन कई सारे राजा रजवाड़े आज भी ऐसे हैं जो गांव में हैं और उनकी भी आमदनी का जरिया रहा है। सरकार ने सब चीजें उनसे ले ली एक एक की भाई ये तो पब्लिक का पैसा। ये देखिए राजमाता का बैठक ऊपर झूमर दिख रहा है आपको इंग्लैंड का। ऐसे आपको कांच के पलंग कांच के सोफे कांच की कुर्सियां और भी 10,000 कांच की चीज देखनी हो मतलब क्रिस्टल की चीज देखनी हो उसके लिए 700 रुपए खर्च करने पड़ेंगे आपको। राजमाता का बैठक ये भैया सारी जगह शादियों में किराए पर देते हैं बोलते हैं भैया जना नाम है तो माणक चौक ये भैया पूरी पहाड़ी है क्या यहाँ के राजा कहलाते हैं महाराणा कहलाते हैं पहले राणा थे उसको राणा मगरी भी कहते हैं तो ऊपर देखा गार्डन पर देखा मैंने आपको पहाड़ी देखी ना तो पहाड़ पे बना पाए यहाँ पर पानी में दोनों आइलैंड आ गए हैं यहाँ पे गार्डन बनाया था हम ऊपर गए थे ये पहाड़ी है ठीक है अभी हम लोग इस पार्ट में अंदर अंदर भी आ गए नहीं है भैया पहले पेड़ उगाए थे बड़े हो गए ना हमें 2 साल में गार्डन बना हुआ है समोर बाग गार्डन जो शादी का पार्क है ये वाला जो पार्क है ये 19वीं शताब्दी में बना है जो आवाज़ में है वो दूसरे रूम में कहाँ
अभी तो हर चीज ना बना भी लेते हैं आवाज बना में म्यूजिक बजाते, लेकिन जो लाइव म्यूजिक की बजता है ना उसका अलग ही बात है। मेरे साथ में बैंजो चेंज हो गया है, लेकिन इंडियन बैंजो देखो ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट अभी यहाँ पे रखे हैं जो आज बजाने वाले कोई नहीं, क्योंकि सब लोग है ना अंग्रेजी रीति रिवाज में गिटार बजाना सीख रहे हैं। ये देखो तीन स्ट्रिंग से देखो सारे लोगों के समझता होगा देखो, आपने भी हारमोनियम तो कुछ देखे होंगे, हवा से प्रेशर देते हैं ना, पाँव से प्रेशर बनता है प्रेशर देखो, ये है पेडिस्ट्रियन वाला पद संचालक, पाँव से चलने वाला हारमोनियम। अब मेरा पॉइंट समझ गया ना मैं, ये भैया स्टुटगार्ट का है, ये किसका स्टुटगार्ट क्या नाम, पहले मैंने मर्करी वाला कैसे मुझे बताया जो जिनके पास होती हो तो उसमें पहले गर्म होता होगा, हीट होती होगी, फिर वीडियो चलता होगा, अभी इतना जब बटन दबाने चल गया रेडियो चालू करना अपने आप में काम तो बंद नहीं करते थे, चल रहा चलने दो, ऐसा टीवी चलता है अपना आवाज सिंपल और आवाज बढ़ा दो बात कर रहा हूं। सर ये जो आप देख रहे हैं सभी प्रतिमाएं हैं, क्लब चॉइस हैं, सभी खंडित प्रतिमाएं हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा कि फोटोग्राफर ने एक क्लिक किया है जिसको ब्लैक एंड व्हाइट भी किया है, उसको पोशाक अलग किया है, तो फ्लैक्स पे निकाला है, ये कुछ पुराने फोटोग्राफ्स नहीं है, पहले पहले कैसा दिखता था आज कैसा दिखता है, पहले पहले से वैसे दिखता है लेकिन आसपास आबादी होगी शर्ट बढ़ गया फोटो को फोटो निकाला तो उस पर पोशाक वगैरह कर दिया है, ये शर्ट कैसा दिखता है फोटोग्राफ वगैरह है। पहले फ्लोर ऐसा था, आज भी हालांकि कुछ ज्यादा विशेष हुआ है, पहले हाथी अभी पहले हाथियों का पार्किंग था, अभी कारों का पार्किंग है। दरअसल एक हाथी ने हमें एक माहौल पहले आम जनता राजा की तरह देखती थी, अभी पर्यटक खड़े होकर मैं उनको देखते हैं फोटो लेते हैं, फिर ऊपर अभी ये ऊपर देख रहा है, अभी ऊपर देख रहा है, ये आदमी ऊपर देख रहा है। टूरिस्ट आते हैं बैठते हैं फोटो लगाए, पहले फ्लोर ऐसा था, अभी मार्बल सब भी लगाया हुआ, पहले नहीं था, ये फ्लोर भी नया बना है, ये देखो यहाँ पर रानी बैठे झूला झूलती ताजा बैठ उनका फिर ठीक है। ये सर भगवान सूर्य है जिनकी पूजा राजा लोग करते बरसात में, ये रानी का बैठक गैलरी बाकी अभी दिखाऊंगा मैं आपको, और बीकानेर में शादी हुई थी राजा के पापा की, तो ये इनको दहेज में आई थी चांदी की बग्घी, अच्छा घोड़े
भी आए थे, अब तो घोड़े तो पुराने हो गए, तो घोड़े को हटा दिया और यहाँ पे प्लास्टिक के घोड़े लगाए हैं। अभी ऐसी दिखती है लेकिन बग्घी चलने वाली है, नकली नहीं है, रियल वाली है, बस घोड़े नकली है इसमें। राजाओं का सर राजाभिषेक होता था, उसके फोटोग्राफ्स हैं। पर असल यहाँ की जो रॉयल फैमिली है, अगर आप किसी में भी होशियार हो, चाहे खेल कूद में, पढ़ी में, तो यहाँ पर एक फॉर्म होता है, उसको आप भरते हो तो आपको राजा की तरफ से कुछ प्रोत्साहन राशि मिलती है। हर साल होता है माणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन की तरफ से, अभी चाहे तो गूगल पर सर्च कर सकते हो। तो राजा उसी के लिए अश्व की पूजा करते हैं और मेवाड़ फाउंडेशन की क्या तो आज भी होता है अभी राजा बैठे ना, मतलब हर साल किसी को कुछ। ये इस तरह से बुलाया जाता है ना सबको, सबको बुलाते हैं जी, माणा मेवाड़ फाउंडेशन का एनुअल अवार्ड फंक्शन सेरेमनी सब होते हैं उस जमाने से, मजा आ रहा है। होली मना, होली मना रहे हैं। अच्छा होली का में भी तो सबसे पहले राजे ही उसको अपनी देते ना। नहीं, ये तो पैलेस की होली है सर, अब तो मतलब पुराने समय में खाली पैलेस में होली मनती थी। हाँ, हाँ। अब तो हर गली चोर बच्चे भी गली गली में कोने 2011 में, तो उनकी शादी का हम लोग मंडप देखे हुए 1960 के आसपास में है ना, सॉरी 1940 के आसपास में बग्घी आई थी, फोटो दिखाई ना अंदर दहेज में आई थी, तो बग्घी हैं और घोड़े की ज्वेलरी है, हाथी की ज्वेलरी है, हुक्का वगैरह है चांदी का और चांदी के बर्तन हैं। और अभी जो राजा है ना, उनका बेटी की शादी हुई थी सर 2014 में, 2015 में उनकी बेटी हुई थी, तो बेटी की नानी ने है ना पालना दिया चांदी का, वो रखा है। और पूना में एक सीरी डेडी कैल्सो है, शायद जोकी है, उन्होंने है ना गिफ्ट दी मैं पैलेस को ट्रॉफियाँ वो रखी हुई है। ये देखो भैया, पैलेस में अलग अलग जगह हैं, हर जगह का अलग किराया है, जैसा आपका बजट शादी करनी हो तो नंबर है ये, फ़ोन पे इंक्वायरी कर सकते हो भैया। पालकी देखो, ये चांदी का पौधा
और हाथी के ऊपर बैठते ना, ऊंचा होता कैसे बैठेंगे हाथी, बैठे बैठे झूले के साथ में सीढ़ी चांदी की। शराब हो अगर, और वो भी अगर 50 साल या 100 साल पुरानी है ना, तो ये लॉक लगाने के लिए चाबी आप अपने पास रख सकते हो, बोतल पे लॉक लगा दो। अच्छा ठीक है भैया, ये तो सही चीज है। हाँ यार आपने देखा हो मंदिरों में शीन रहा हुआ देखा हो, मर्दाना महल में गए थे, फिर जनाना महल से एग्जिट किया है यहाँ पे, इसको बोलते जनाना जोड़ी बोलते हैं, जोड़ी मतलब गेट। गणेश जी बने ना दरवाजा खुल जाता है, मैं नानी आया तो खुलता है, बाकी बंद रहता है। अभी भी सेम सिस्टम चलता है यहाँ पे, अभी भी सेम सिस्टम चलता है, यहाँ रहते नहीं है ना, नहीं मतलब रहते ना, आते होंगे ना, आएंगे तो बड़ा ज़्यादा खोल देंगे ना। So with this is the end of episode number 3. So next vlog में मैं कवर करूंगा उदयपुर का रॉयल कार म्यूजियम, सिंगर फोर्ट और भी बहुत सारी जगहें। So for these types of content, stay on my channel. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, और अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट। थैंक यू।